आज मैं आपको बताऊंगा प्राणायामों के बारे में। तो हम करीबन यहाँ पर कपालभाति, भस्त्रिका, त्रिबंध का अभ्यास जिसे हम अंतःबंध और बाह्यबंध के साथ लगाते हैं, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये सब प्राणायाम मैं बताने जा रहा हूँ। तो प्राणायामों को करने से पहले यदि आप करते हैं ओम का उच्चारण, मंत्र का उच्चारण, तो उससे क्या होता है, आपका मन शांत होता है उन क्रियाओं से, साथ ही साथ जो आसपास का वातावरण है उस स्थान पर भी आपको पॉजिटिविटी अनुभव होती है। तो सबसे पहले आप 3 बार ओम का उच्चारण और जितने भी आपके आपको याद हो मंत्र, गायत्री मंत्र का भी अभ्यास कर सकते हैं, या फिर जो भी जितने भी आपको मंत्र याद हो उनका अभ्यास आप कर सकते हैं प्राणायामों से पहले। तो सर्वप्रथम दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता के साथ बंद, लंबा गहरा श्वास, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो भरें लंबा गहरा श्वास, स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहनावतु सहनाभुनत्व सहवीर्यं करवावहि तेजस्विनान्विधितमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ असितो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतं गमय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ योगेन चितस्य पादेन वाचं मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रव्रमुनीनं पतञ्जलिं प्राञ्जलिं दायनतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शांतिः। आपका मन, मस्तिष्क, शरीर और शरीर के आसपास का संपूर्ण वातावरण इन ओम के उच्चारण और मंत्रों के उच्चारण मात्र से ही पवित्र, शांत और स्थिर हो जाता है। तो धीर से दोनों हाथ उठाएं, अपनी आंखों के ऊपर रखें और आंखें खोलते हुए सहजता के साथ वापस आएंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड। मैं हूँ अभी केदारकंठा जो ट्रैक है उसके समिट पॉइंट से जस्ट नीचे एक ढाबा है वहाँ पर इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं। तो बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे। सर्वप्रथम हम करने जा रहे हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। तो कपालभाति प्राणायाम के लिए क्या करना है, कमर गर्दन सीधी, यदि हो सके तो ज्ञान मुद्रा में रखें, लेकिन मुझे लग रही है ठंड तो दोनों हाथ में इस प्रकार से रखूंगा। तो लंबा गहरा श्वास भरें यहां पर और छोड़ते प्रारंभ करेंगे कपालभाति।
सीधा कपाल भाति। कपाल भाति बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, इसको शोधन क्रिया भी बोलते हैं। ये आपके मस्तिष्क से लेकर के पंजों तक सभी नाड़ियों को एक्टिवेट करती है और जितने भी आपके भीतर शरीर के भीतर जो सेल्स होती हैं जिससे शरीर का निर्माण हुआ है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि हम कपाल भाति करते हैं तो बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न कर पाते हैं हम कपाल भाति के माध्यम से। तो इस कपाल भाति से सीधा सीधा आपके पेट से संबंधित जो भी आपके ऑर्गन्स हैं, खासकर पेट के भीतर छोटी आंत, बड़ी आंत, पैनक्रियास, स्टमक और लीवर, उन सभी पर इस क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत बढ़िया है, जिसके पेट से संबंधित कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, गैस्ट्रिक या फिर डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसके लिए बहुत बढ़िया क्रिया है। साथ ही साथ ये जिसके डायबिटीज़ होती है, यदि वह व्यक्ति करता है इसका अभ्यास लगातार, तो उसके डायबिटीज़ में कहीं ना कहीं चेंजेस देखने मिलते हैं धीरे धीरे। हालांकि उसको लंबे टाइम तक अभ्यास करना पड़ेगा, डिपेंड करता है व्यक्ति टू व्यक्ति कि उसको कितनी पुरानी बीमारी है। आ जाओ अपने हृदय के ऊपर, हृदय के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है ये। उसी प्रकार से आपके लंग्स तो क्लीन करता है ये प्राणायाम, और जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कपाल भाति। कपाल मतलब मस्तिष्क और भाति मतलब दीप्ति। तो कपाल पर एक दीप्ति होती है, एक आभा मंडल उत्पन्न होता है इस प्राणायाम को करने से। तो ये अध्यात्म भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्राणायाम को करने से आपका जो मस्तिष्क है वो शांत और स्थिर होता जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि आप मन को शांत करना चाहते हैं और मस्तिष्क से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे डिप्रेशन, माइग्रेन या फिर स्ट्रोक्स हो जाना ब्रेन के भीतर, और ये सिर में दर्द होने की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, उन सब के लिए रामबाण है ये प्राणायाम। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम बताया गया है, और साथ ही साथ हम इसको शोधन क्रिया भी बोलते हैं, ये हमारे शरीर का शोधन करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्राणायाम की ओर। नेक्स्ट प्राणायाम है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए वही दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या फिर जहाँ पे भी कंफर्टेबल लगे आपको, ठीक है, वहाँ पर रख लें दोनों हाथ। और उसके बाद क्या करना है, लंबा गहरा श्वास अपने लंग्स के भीतर भरेंगे और छोड़ेंगे उसी प्रकार से। इस प्रकार से ओनली लंग्स में भरना है श्वास, ना कि अपने पेट के भीतर, क्योंकि लंग्स ही एक ऐसा आपके शरीर के भीतर ऑर्गन है जहां पर ऑक्सीजन का अवशोषण होता है। तो सीधा सीधा श्वास जो भरना है आपने वो लंग्स के भीतर भरना है। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी, जिस प्रकार से हमने कपाल भाति के लाभ जाने और उसके करने की क्रिया जानी, तो इस प्रकार इस प्राणायाम का भी हम करने की क्रिया जान ली है हमने। अब इसके जानते हैं प्रभाव और इसके लाभ क्या क्या हैं। तो इसके लाभ, जैसे हम श्वास तो पूरे दिन लेते हैं, सुबह से शाम तक श्वास तो हमें लेना ही है, यदि श्वास नहीं है तो जीवन संभव नहीं। ठीक है, तो श्वास क्या होता है, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वो प्रॉपर फिल नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं उसके भीतर स्पेस बच जाता है। लेकिन जब हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं पूरे फिल होते हैं। ठीक है, उसके भीतर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ही नहीं बचती। तो जब हम पूरे श्वास को भरते हैं तो करीबन 1 से 1.5 लीटर तक प्राण ऊर्जा हम अपने शरीर के भीतर प्रवेश करा पाते हैं, जबकि नॉर्मल ब्रीथ में हम 300 से 400 ml ही ओनली अपने शरीर के भीतर प्राण ऊर्जा को लेकर के जा पाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप इस क्रिया का अभ्यास करते हैं तो हो सकता है शुरू में मस्तिष्क में भारीपन हो, क्योंकि आपके ब्रेन को आदत नहीं है इतने ऑक्सीजन की, साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन की। ठीक है, तो आपके पूरे शरीर के भीतर सेंसेशंस उत्पन्न होने लगती हैं कई बार। बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप नाड़ियों को क्लीन करना चाहते हैं और पूरे शरीर के भीतर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, जिसको बीपी है, ज़्यादा बीपी रहता है, उसको मध्यम गति या स्लो गति में ही अभ्यास करना चाहिए। यदि वो फास्ट करता है इस प्राणायाम का अभ्यास तो हो सकता है उसका बीपी बढ़ जाए। ठीक है, यदि मध्यम और स्लो गति में वो इस प्राणायाम का अभ्यास करेगा तो डेफिनेटली उसको फायदा होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्राणायाम की ओर, जिसका नाम है त्रिबंध। त्रिबंध में हम अंतःबंध और बाह्यबंध दो प्रकार के बंध लगाते हैं।
ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, हमें लंबा गहरा श्वास भरते हैं हम और डीपली एक्सहेल कर देते हैं। डीपली एक्सहेल करने के बाद क्या करना है हमें, मूल बंद अपने पेल्विक पार्ट को, एनएस मसल्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, ठीक है, यूनरी और एनएस मसल्स ऊपर की तरफ पूरा स्ट्रेच करेंगे, ये हुआ मूल बंद। उसके बाद पेट जो नाभि चक्र है आपका, उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे स्ट्रेच करते हुए, मैक्सिमम भीतर की तरफ चला जाए, आला सा बन जाए आपके पेट के भीतर, इतना भीतर की तरफ खींचने का प्रयत्न करेंगे, उसे बोलते हैं उड्डयन बंद। उसके बाद जो लास्ट बंद है वो है जालंधर बंद। जालंधर बंद हमारे गर्दन, गर्दन को जब हम नीचे की तरफ ठोड़ी कंठकूप में लगा देते हैं इस प्रकार से, तो वो बनता है जालंधर बंद। तो तीन बंद हमने जाने, हमारे जो चक्राज हैं मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा और सहस्त्रार्थ, उन में से करीबन जो तीन बंद हैं जो हम लगा रहे हैं, तीन जो आपके चक्राज हैं उन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो लंबा गहरा श्वास पुनः भरें और एक्सहेल करें डीपली। आप नासिका से भी श्वास को एक्सहेल कर सकते हैं, आप मुख से भी श्वास को एक्सहेल कर सकते हैं। यदि आप मुख से एक्सहेल करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में आप एक्सहेल कर पाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो एक लंबा गहरा श्वास भरें, पेट अंदर की तरफ खिंचा हुआ है, सबसे पहले मूल बंद लगाएं, उड्डयन बंद और जालंधर बंद, इस प्रकार से ये अवस्था है आपकी त्रिबंद की, जिसे हम बोलते हैं बाह्य बंद, जिसमें हमारा श्वास पूरा बाहर निकला हुआ होता है। और जब ना रुका जाए तो फिर क्या करना है हमें, जैसे हम गए थे वैसे ही हमें वापस आना है। तो सबसे पहले जालंधर बंद छोड़ेंगे, फिर उड्डयन बंद और फिर मूल बंद, तीनों बंद को छोड़ते हुए हमें वापस आना, ये था बाह्य। अब अंतः क्या है, श्वासों को भर करके लगाना, उसको बोलते हैं अंतः। तो श्वासों को भरें लंबा गहरा और फिर से तीनों बंद लगाएंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हम जालंधर, उड्डयन और मूल बंद लगाएंगे, तीनों बंद में जितना ज्यादा होल्ड कर सकते हैं उतना ज्यादा होल्ड करेंगे, और जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे वापस। तो जब आप होल्ड करते हैं तो जो आपके बंद हैं वहां पर कई बार वाइब्रेशंस फील होती है, तो जो वाइब्रेशंस हैं उन वाइब्रेशंस को देखना है, उनके साथ जुड़ना है, ठीक है। वो वाइब्रेशंस एक अद्भुत अवस्था आपको उत्पन्न कराएंगी शरीर के भीतर, और उन वाइब्रेशंस के माध्यम से हम जुड़ते हैं अपने ही आप से। बहुत महत्वपूर्ण है दोनों प्राणायाम। इन प्राणायामों के बारे में तो ऐसी भी अवधारणा है, यदि आप इनका लंबे टाइम तक अभ्यास करते हैं तो आपकी एज करीबन 10-15 ईयर्स तक आप इंक्रीज कर सकते हैं अपनी लाइफ को। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये प्राणायाम, साथ ही साथ आपके शरीर के भीतर जितनी भी नाड़ियां हैं उनके ब्लॉकेज को नष्ट करने में ये सक्षम है। हृदय से संबंधित कोई बीमारियां हैं उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भी कुछ सावधानियां हैं, यदि आपके शरीर के भीतर ब्लड प्रेशर हाई है तो इस क्रिया का अभ्यास ना करें, ठीक है। यदि आपका ब्लड प्रेशर लो है तो इस क्रिया का भी अभ्यास कर सकते हैं, वो भी लिमिटेड, ठीक है। ज्यादा अभ्यास नहीं करना है, धीरे 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 जैसे जैसे आपके रोगों की स्थिति सुधरने लगेगी वैसे वैसे आप इन प्राणायामों का अभ्यास बढ़ा सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी भंवरे की तरह गुंजन करना है हमें और मस्तिष्क के भीतर उस गुंजन को फील करना है। यह अद्भुत प्राणायाम है आपके ब्रेन के, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कान के ऊपर अपना अंगूठा, तीन उंगली अपनी आंखों के ऊपर और एक माथे के ऊपर, एक लंबा गहरा श्वास भरें और आप 3-7 टाइम तक इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं कर सकते हैं। तो लंबा गहरा श्वास भरेंगे, तो ये था भ्रामरी प्राणायाम। जब आप इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपके मस्तिष्क के भीतर
उस भवरे की तरह। जब हम इस प्राणायाम के बाद रुकते हैं तो मस्तिष्क के भीतर एक अद्भुत गुंजन की अवस्था उत्पन्न होती है, और उस गुंजन को आपने देखना है, अनुभव करना है। वो एक अद्भुत वाइब्रेशन होती है और एक अद्भुत अवस्था होती है, जिससे आप जुड़ने का यदि आप प्रयत्न करते हैं तो आपका मस्तिष्क आपको अत्यंत ही शांत अनुभव होता है। आपके मस्तिष्क के भीतर इतने न्यूरॉन्स हैं, यदि उनको एक एक करके गिना जाए तो 3000 साल से ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो सोचिए, जब आप इस प्राणायाम के माध्यम से अपने ब्रेन के भीतर जो न्यूरॉन्स हैं उन पर गुंजन करते हैं तो मस्तिष्क आपका आपको शांत अनुभव होता है, एक अद्भुत शांति की अवस्था। इसको आप करके ही जान सकते हैं, किसी से पूछ करके या देख करके इस प्राणायाम का जो आनंद है वो नहीं लिया जा सकता। साथ ही साथ ये मस्तिष्क संबंधित सभी समस्याओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रेन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या हो, इंसोम्निया, या फिर आपके ब्रेन में स्ट्रोक्स हो, या फिर एंजाइटी रहती हो ज़्यादा, डिप्रेशन हो, ठीक है, या फिर और कई जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम का समाधान ये प्राणायाम है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्राणायाम की ओर, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राणायाम है, जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। कोई भी व्यक्ति स्वस्थ हो या रोगी हो इन सभी प्राणायामों का अभ्यास कर सकता है, लेकिन मुख्यतः ये दो प्राणायाम है, कपालभाति और अनुलोम विलोम। यदि व्यक्ति 10-10 मिनट भी इन प्राणायामों का अभ्यास प्रतिदिन कर ले तो किसी प्रकार का भी रोग व्यक्ति को नहीं सताए। तो जानते हैं अनुलोम विलोम कैसे करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम राइट हैंड का की मुट्ठी बिल्कुल बंद करेंगे और लास्ट की दो फिंगर्स को इस प्रकार से खोल देंगे। ये हुई प्रणव मुद्रा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड अपना रखेंगे ज्ञान मुद्रा में। अब क्या करना है हमें, अपने दाएं स्वर को बंद करेंगे और बाएं स्वर से लंबी गहरी श्वास भरेंगे इस देह के भीतर। अब बाएं स्वर को बंद करेंगे और दाएं स्वर से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। अब अगेन दाएं से ही श्वास को भरेंगे और बाएं से बाहर छोड़ देंगे, ठीक है। लेफ्ट नोस्ट्रल से डीप इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सहेल। तो इस प्राणायाम को यदि आप करते हैं 5 मिनट तक तो आपका मस्तिष्क इतना शांत हो जाएगा मानो पूरे 24 घंटे में ना हुआ, ठीक है। तो ब्रेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ आपके शरीर के भीतर जो नाड़ियां हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी भी नाड़ियां हैं, करीबन 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर के भीतर पाई जाती हैं, तो उन सभी नाड़ियों को स्वस्थ करने में सक्षम है ये प्राणायाम। आपके हृदय, लंग्स, ब्रेन या फिर लीवर, पेनक्रियाज, हर एक पार्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये प्राणायाम, क्योंकि आपके शरीर में एक एक सेल्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और यदि ऑक्सीजन नहीं तो ये जीवन ही नहीं। ये जब तक हम श्वास ले रहे हैं इस जगत में, इस ब्रह्मांड में, तभी तक हम जीवित हैं। जिस दिन ये श्वास इस देह से निकल जाएंगी, उस दिन के बाद इस देह का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो श्वास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इनको बचाना है। और लंबे, गहरे, धीमे श्वासों के साथ यदि आप अभ्यास करते हैं तो आपका मन और मस्तिष्क दोनों शांत होंगे। अब जानते हैं ध्यान के बारे में। ध्यान एक ऐसी स्थिति है जिसको हम प्राणायामों के बाद ही जान सकते हैं, या फिर उसकी कई कई अलग अलग अवधारणाएं हैं और अलग अलग पाथ हैं जाने की, ठीक है, उनके माध्यम से जाया जा सकता है। लेकिन जो अष्टांग योग बोलता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तो आसन के बाद क्या होता है, स्थिर सुखम आसनम, शरीर के भीतर आती है स्थिरता, तभी तो आपको सुख का अनुभव होता है। उसके बाद आप करते हैं प्राणायाम, जिससे आपके शरीर के भीतर जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव होते हैं और मन हो जाता है शांत। उसके बाद प्रत्याहार और ध्यान, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान,
तभी आप ध्यान तक पहुंच सकते हैं। और यदि आपको ध्यान रूपी फल प्राप्त करना है तो प्राणायाम रूपी वृक्ष लगाने होंगे। जब तक आप प्राणायाम रूपी वृक्ष नहीं लगाते हैं तब तक ध्यान का आनंद लेना बड़ा ही मुश्किल है। तो इन प्राणायाम रूपी वृक्ष को लगा करके आप उस ध्यान रूपी फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक। इसमें मैंने जो भी कुछ बताया है यदि आप उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी और जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत सारे आपको चेंजेस देखने मिलेंगे। योग कर्मशु कोशलम, हमारे कर्मों से ही तो जुड़ा है सब कुछ। जो भी हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार तो फल मिलता है। जब हम प्राणायाम करेंगे तो हमारे जो कर्म है वो सुधरेंगे। सुधरेंगे कैसे? जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपका मस्तिष्क शांत होगा और मस्तिष्क शांत होगा तो जो भी आप करेंगे, जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका आप और अच्छे से अपने आप को 100% दे पाएंगे। और जब आप 100% दोगे तो आपके कर्म स्वतः ही सुधरने लगेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है इन प्राणायामों को करना, ठीक है। जैसे जैसे आप प्राणायाम करेंगे कर्मयोग होगा और धीरे धीरे आपके शरीर शुद्ध होगा, पवित्र होगा, शांत होगा और आपका ये जो लाइफस्टाइल है वो धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।